से ये पूछते हैं कि अगर बाहर खाने जाएं तो कैसे अपने मील को मैनेज करें। तो आज मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो जो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको कहीं भी बाहर जाने के पहले अपने मील को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इफ़ यू आर वेरी हंग्री देन यू टेंड टू ओवर ईट। अब वहाँ जाने के बाद आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आप घर से कुछ खाकर जाएं, कुछ हेल्दी स्नैक लेके जाएं, ताकि आप वहाँ पे ओवर ईटिंग करने से बचें। दूसरी बात, वहाँ पहुँचने के बाद अपने मील का सिलेक्शन वाइसली करें, यानी कि जो शुगरी वेलकम ड्रिंक्स होती हैं या फिर बहुत सारे जो स्टार्टर्स होते हैं, जो डीप फ्राइड होते हैं, जिसे बहुत सारे सॉसेस डले होते हैं, उनसे आप बचें और अपने मील को वाइसली सेलेक्ट करें। जो भी पनीर के आइटम हैं, दाल है, सूप है, सैलेड है, रोटी है, इसको आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़, कोई भी चीज़ को इन्जॉय करने के लिए उसे प्रॉपरली प्लेट में लें, अपनी सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करें और उसे पूरी तरह से इन्जॉय करते हुए खाएं। एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि अपने खाने की स्पीड कम रखें, क्योंकि जब आप स्पीड कम रखते हैं तो आपकी बॉडी में सटाइटी सिग्नल आपको समझ में आते हैं, आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं और आप बहुत सारा फूड इनटेक करने से बचते हैं। आप माइंडफुल ईटिंग करें, यानी कि पूरी तरह से इन्जॉय करें अपने मील को और बहुत ज़्यादा पानी का इनटेक कंटिन्यूसली रखें। जब आप अपने मील को फिनिश कर लें तो उस टाइम को नोट करके अगले 12 घंटे तक कुछ ना खाएं और अगले दिन आप इंटरमिटेंट वाला रूल को फॉलो करें। तो जब आप अपने बॉडी को खाली रखते हैं तो आपकी बॉडी हीलिंग मैकेनिज्म में शिफ्ट हो जाती है, आपके टॉक्सिन से रिलीज हो जाती है और इस बीच आप पानी का इंटेक काफ़ी करें। और जो भी आप खाना खाते हैं नेक्स्ट डे, उस फूड के लिए आप अपनी कैलोरीज को मैनेज करने की कोशिश करें। थैंक यू।